क्या हुआ था आज? आज करीब 10:30 के करीब मेरी बेटी दुकान जा रही थी, उस टाइम एक आदमी आया बाहर में खड़ा था, तो मेरी बेटी ने मेरे को आवाज़ दी कि कोई आपको बुला रहा है। फिर हम बाहर गए तो मेरे हस्बैंड के नाम लेके सिर्फ बेसरा बोली कि आपको वो कुछ बताया नहीं है कि कंपनी में क्या क्या हो गया है बोल के, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। उसके बाद फिर बोल रहा है अच्छा ठीक है समझ रहे हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है सुनिए बहुत बड़ा ये हो गया है वहाँ पर, मतलब वहाँ चोरी हो गया है, तो 3 जन का नाम आया है, तो 3 जन को बैठाया गया। तो हम फिर बोला और कौन कौन है दो जन? तो फिर बोला एक महतो है और एक बेसरा है और एक जिनका नाम मालूम नहीं है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे, मतलब हमको लगा कि वो बात बताएंगे, फिर वो अंदर आए, फिर अंदर आए तो फिर वो बोले कि ऐसे ऐसे केस में जो भी है हमारे पास कैश वैस है जो सब दे दो, नहीं तो वो और फंस जाएगा, जमीन का जितना पेपर है वो सब भी दे दो, नहीं तो फंस जाएगा कि हाँ वो पैसा लिया है कंपनी से और ये वाला काम शनिवार को हुआ कंपनी में, फिर यहाँ तक आए। उसके बाद फिर वो गन सटा के फिर बोलता है जितना जल्दी हो सके निकाल के दो सामान सब। तो फिर हम कैश हो सब उसमें ये सब घुसा दिए। कितना कैश था? कैश 5 से 6 था। 5 से 6 लाख? हाँ 6 लाख था। और गहना भी था? गहने भी थे और प्रॉपर्टी सब पेपर सब, अभी हाल में ही हस्बैंड जमीन खरीदे थे, पेपर सब भी था। उसके बाद हम डर से सारा निकाल के बैग में डाल दिए, उसके बाद उनको दे दिए। उसके बाद वो बोले कि बेटा को भेजिए साथ में। फिर बेटा ऑनलाइन क्लास कर रहा था, उसको चलो बोला और फिर वो भी। बेटा क्या नाम है? बेटा का आकाश बेसरा। कितना उम्र है? उसको 15 साल। फिर क्या हुआ? फिर उनको साथ में लेके गया। उसके बाद फिर उसको ले जाके उधर जीवन ज्योति की नाम ज्योति है वहाँ पर उतार दिया उसको, और उसको बोला कि जाओ चढ़ो फ्लैट में और बैग लेके वहाँ से चले गए। फिर बेटा मेरे को कॉल किया, तो उसके बाद फिर हम अपने देवर को कॉल किए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड टाटा कंपनी में जॉब करते हैं। क्या नाम है उनका? महेश्वर बेसरा।